और रमजान पैकेज में भी मैंने रियायत दी है कि रमजानों के अंदर रोजगारों के लिए जैसे सीने कमर वगैरह होती है यकनी वाला मरीजों के लिए 800 रुपए किलो का रेट दिया है मैंने। सही सही। फर्क सिर्फ दिल का समझाने का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो भाई आज मैं एक बार फिर लियाकताबाद सुपर गोश्त की मार्केट आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरी पिछली वीडियो देखकर अभी का रेट लेने की जो है मुझे कहा है कि यहाँ के रेट लेकर दिए जाएँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल ही मिनी बजट आया है, पेट्रोल और ज़्यादा महंगा हो गया, मेरे ख्याल में 272 हो गया। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि वाकई पेट्रोल जो महंगा हुआ है उससे इसमें कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। आइए मैं आप लोगों को रेट लेकर देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ मटन, जहाँ पे ये भाई देते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये फ्रॉड है, मटन नहीं है, ये बकरी का गोश्त है, बकरा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आई हूँ तो ये भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, खरीदने के लिए आए हैं शायद। जी जी, खरीदने के लिए आए। तो कैसा है गोश्त, आप लेते रहते हैं यहाँ से? हाँ, मैं लेता रहता हूँ, अल्लाह के हुक्म से कोई शिकायत नहीं है। और ये बकरी की जगह बकरी बेचते हैं, फर्क तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। और इनका रेट कैसा है आज का, मुझे बताइए जो आप ले रहे हैं। रेट 1200 रुपए किलो दिया है। 1200 रुपए किलो दिया है, सही। आप लोग देख सकते हैं फ्रेश मीट है, आज जुमेरात का दिन है, जुमेरात को यहाँ पे फ्रेश मीट मिलता है। पहले मैं भाई से बात कर लूं, आप क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसे? आज भी मैं ठीक ठाक। आज भी माशाल्लाह ताज़ा ताज़ा गोश्त आया हुआ है, और मुझे पता था आज ही आएगा तो मैं पहुंची हूं। तो मुझे ये बताएं कि जो लोग बता रहे हैं बकरी और बकरे में क्या फर्क है, अगर फर्क सिर्फ दिल का समझाने का। बकरा जो है लोग समझते हैं बड़े पैसे वालों को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो 1800-2000 रुपए किलो बिक रहा है। मैं लोगों के साथ ताउन कर रहा हूँ कि बकरे से अच्छा गोश्त है पट का गोश्त है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि पट है, लोग कॉमेंट गलत पास ना करें। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा गोश्त होता है, इसमें आपको रियायत देते हैं 1000-1200 रुपए किलो। पूरे कराची में कोई आपको गोश्त नहीं देगा, लेकिन आप लोगों की खिदमत के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं अपना मुनाफा कम करके हमारे तरफ से कैंसी से रियायत मिलती है, इसलिए आपको रियायत देता हूँ। गोश्त में कोई फॉल्ट नहीं होगा, ना कोई जानवर खराब होगा, देसी गोश्त होगा। आपकी मूवी में भी नजर आ रहा है, सामने लाइव सीरियाँ रखी हुई है, पाए रखे हुए हैं, किलेजी रखी हुई है, तमाम चीजें हैं, और बगैर पानी का गोश्त जो कि कहीं नहीं मिल रहा। बिल्कुल, ये आपको मैं दिखाता हूँ, उस दिन भी मैंने आपको बताया था। इंशाल्लाह आप हमारे पास जब भी आएंगे आपको ताउन और अच्छी से अच्छी चीज मिलेगी, अच्छी चीज मिलेगी। अगर कोई डिस्काउंट आपसे मांगे देंगे आप? मैं आपको नौजर इसके लिए, न्याज नजर के लिए, उसके लिए 1000 रुपए किलो मैंने आपको बताया था, बहन बेटी की शादी के लिए बिल्कुल दूंगा। देखिए कल एक और बजट आया है, और पेट्रोल कल भी महंगा हो गया, 272 हो गया आई थिंक। तो मैंने सोचा लोगों, क्योंकि लोग जानना चाहते थे पेट्रोल से इसमें कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पड़ता तो सब चीजों पे, लेकिन मेरी नीयत ये है कि मैं लोगों को खिदमत करूं, तो अल्लाह पाक मेरा साथ देते हैं, मुझे थोड़ा सस्ता मिल जाता है जानवर। और ये सामने देखिए, बड़े साहब आए थे मेरे पास, इन्होंने मुझसे खाली रान मांगी, मैंने इनको खाली रान दे दी, मैंने इनसे उज्जत नहीं करी। 1200 रुपए किलो में कोई रान नहीं देता, इन्होंने बोला कीमा बना के तो साफ करके कर। ये भी मैं करके दे रहा हूँ, लेकिन मैंने इनको बताया देखो इसकी नली वगैरह, ये गोश्त आपको खुद नजर आएगा, ये आपके बकरे फेल करेगा जो 1800-2000 रुपए किलो बिकते हैं। आप एक दफा में आजमाए तो सही, क्या हर जगह का हम टैक्स दे रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट हमें क्या रिलीफ देती है? कोई रिलीफ नहीं देती, टैक्स हर चीज का लेंगे, और हम देने को तैयार, हम पीछे नहीं हटे किसी चीज के टैक्स से। सही सही। और उसके बावजूद ये जो मीट मार्केट में मैं आज दोबारा आई हूँ, इन्होंने रेट्स हाई नहीं किए, वही रेट्स हैं, बल्कि ये तो और ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। और रमजान पैकेज में भी मैंने रियायत दी है, रमजानों के अंदर रोजगारों के लिए जैसे सीने कमर वगैरह होती है यकनी वाला मरीजों के लिए 800 रुपए किलो का रेट दिया है। सही सही, क्या बात है जी, रमजान पैकेज भी दे रहे हैं। दूसरा ये कि रमजान में भी मैं एक बार फिर आऊंगी यहाँ पे, वाकई के ऐसा है कि नहीं है? तो देर मत कीजिए, इस ऑफर से फायदा उठाएं और जल्दी से यहाँ आए और गोश्त अपनी मर्जी का लेके जाएं। जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम। पाए के रेट बताएं? पाए मेरे पास 500 रुपए का एक है, बड़ा वाला 600 का एक है, उससे बड़ा 700 का एक है। साथ कम हो गया रेट? हाँ रेट कम हो गया। कितना कम हुआ है? उस दिन तो आपने 1000 का, आधे में आधा हो गया। ये उठाए आप, सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है? सबसे बड़ा वो रखा हुआ। और कम करें ना इस पे, आप दे रहे हैं उससे कम करें। कितने चाहिए अंकल? कितने लेने हैं हम बताएं, कम करके देंगे अंकल को। कितने लेंगे आप? ये तो 500-600 तक है। 500-600 का कितने चाहिए? ये चाहिए, ये वाला लगा दूंगा मैं आपको 600 रुपए का। एक 700 का बेच रहा हूँ, 800 का बेच रहा हूँ, 700 का एक लगाऊंगा। अगर वो लगा दे 600, वो 600 का नहीं हो सकता बाबा, खरीद नहीं है मेरे।
जैसे जो चीज़ है आप लोग बता रहे, ये 800 का बेचना 700 का, आपको 600 का लगा देंगे। कितने पैसे बताएं इसके? इसके 500 बदला है, इसके 600 बदला है, उसके 700 बदला है। तो क्या मुझे 600 का दे रहे हैं तो क्या एहसान कर रहे हैं? 700 वाला भी 600 का लगा दूंगा, 600 वाला 500 का लगा दूंगा, समझे, 500 वाला 400 का लगा दूंगा। उसकी बात है, उसका वो 800 रुपए का आपको 700 का लगा दूंगा। उठा के दिखाएं, ये पाए देखो आप, दो पाए ले लो, एक पाए ले लो, दो के बराबर देखो आप, ये 750 नहीं 700 बोल दिया मैंने आपको, 700 का लगा दूंगा, इससे कम नहीं है। 600 लगा दो तो सही है, 600 का नहीं होगा, 650 रुपए दोगे? तो निकल गया, 500 का बोले चलो ले आओ, और बोलो ले आओ, और बोलो ले आओ। चले जी मिल गया, ठीक है अंकल, कितना बस 600 रुपए का उन्होंने बड़ा पाया कर दिया भाई, देखे यहाँ पाया भी देख लो, पाया आप देख ले, सबसे बड़ा पाया है, बड़े का है, भैंस के होते हैं सब, गाय बड़ा वाला है, अगले पाए में गोश ज्यादा होता है, पिछले पाए में नली बड़ी होती है, खाली वेट दोनों का एक बराबर होता है। ये कौन सा है? ये अगले अगला 600 रुपए में इन्होंने पाया कर दिया, माशाल्लाह ये यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ी सी है कि बात करनी पड़ती है, गरीबों के लिए स्कीम लगाई हुई है, बिल्कुल हमारी जो सफेद पोश तबका है उन लोगों के लिए, जो सर्दी में नहीं खा पाया वो गर्मी में खाएगा, बिल्कुल भाई। बोंग का ये बोंग का गोश है, ये किस तरह दे रहे हैं? हड्डी वाला 500 रुपए किलो, बगैर हड्डी 700 रुपए किलो, बगैर हड्डी 700 रुपए। और क्या है आपके पास? और हड्डी गुड्डी होती है हमारे पास नरोडे वाली, वो आपको पिछली बार 300 रुपए किलो बदलाई थी, कोई ज्यादा लेगा तो 250 लगा देंगे, आपकी बार वो 250 रुपए किलो है, कोई ज्यादा लेगा तो 200 रुपए कर देंगे। हाँ। भाई अभी रेट बाकी इनके सस्ते हो गए हैं, हालांकि मुझे लग रहा था कि आज जो कल रेट्स आए हैं उसके हिसाब से तो यहाँ पे महंगाई होगी होगी, लेकिन इन्होंने और कम कर दिया है। पाए के रेट मैंने आप लोगों को लेके दिए, अभी मैं बीफ के सेक्शन में आई हूँ, यहाँ पे भी होल सेल रेट है, और आज के क्या रेट चल रहे हैं वो मैं आप लोगों को पूछ के बताती हूँ। और ये सब फ्रेश मीट है, मेरे सामने ही अभी आया है। अच्छा जी आजम भाई से बात करते हैं, क्या हाल है भाई? ठीक है। अच्छा ये किस चीज का गोश्त है? मुझे ये गाय का, भैंस का, गाय का भी है, भैंस का भी है, और क्या रेट है आज का? ये हड्डी वाला 600, बगैर हड्डी का 700। 700 तो ये होलसेल रेट है, तो इसमें अगर कोई कम करवाना चाहे? गोश्त अच्छा होता है हमारे पास, मुनासिब गोश्त होता है, गोश्त देंगे। ये देखिए गोश्त कितना फ्रेश है, इन्होंने काट के दिखाया है। सही। अच्छा बहुत सारे लोग और डिस्काउंट करवाते हैं, तो आप करते हैं कम कर देंगे रेट, अगर कोई और भी कम करवाना चाहे कर देते हैं। कितना कम करेंगे? 10-20 रुपए कम कर देते हैं। ज्यादा करना चाहिए 10-20 रुपए से? ज्यादा कहां से ले गए, माल बहुत महंगा है, ये तो है महंगा जानवर आ रहा है। क्योंकि देखिए मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी पाए मार्केट की बैक साइड पे, तो उनके तो रेट काफी आज कम हो गए, बहुत कम हो गए, नीचे आ गए, तो बीफ में क्यों नहीं फर्क पड़ रहा ज्यादा? ये महंगा आइटम है, बहुत महंगा लेकर आ रहे हैं। सही। अच्छा भाई एक बात पूछूंगी, भैंस के गोश्त में और गाय के गोश्त में क्या फर्क है? उतना खास फर्क नहीं, कोई खास फर्क नहीं है। तो ये वाला गाय का गोश्त है और भैंस का? भैंस का ही है, वो भैंस का। देखिए ये कह रहे हैं कि इसमें कोई खास फर्क नहीं होता, ये गाय का है और वो भैंस का गोश्त है, और दोनों खाए जाते हैं। सही सही, जबरदस्त। बोंग का गोश्त, अच्छा अलग अलग चीजें भी आप दे देते हैं? ये बोंग है तो वो उसी रेट में ही मिलेगा, उसी रेट में मिलेगा। ये बोंग का गोश्त है, ये देखिए बोंग का गोश्त देखे आप, कितना साफ सुथरा करके इन्होंने रखा हुआ है, क्या बात है। बगैर हड्डी का 700 करें आप, बर्गर में आज यही चल रहा है। ये बिस्किट है भाई, देखें बर्गर में ये यूज करें भाई। सही, इसके रेट अलग है क्या? इसका रेट मैडम अलग है, ये 800 रुपए केजी, 400 रुपए केजी, 800 सॉरी 800 रुपए, 800 रुपए केजी। तो ये इतना महंगा क्यों? ये मैडम गलत अच्छा है, इसकी सॉफ्ट रहता है गलने में ना, जी जी, बर्गर में इसके लहर आती है। अच्छा ये गाय का कौन सा वाला पार्ट है मुझे ये बताएं? ये चेस्ट में। सही। अंकल कितना कम करेंगे मुझे ये बताएं पहले, क्योंकि लोग वीडियो देखकर इसलिए आ देंगे, हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट यही है, 600 700 बेचते हैं, 500 और 600 होलसेल।
सही सही। और मेरी वीडियो देख के स्पेशल कोई आए कि मैं वीडियो देख कर आया हूँ, और कम कर और कम कर देंगे। सुन ले भाई, और कम हो जाएंगे आपकी वीडियो लेकर आइएगा, देख के आएंगे और कम कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं और उन्हें वाकई मिला, इसलिए मैं दोबारा मजबूर हुई वीडियो बनाने पे। सही सही। तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं और मेरी वीडियो दिखा के आप लोग यहाँ पे कम करवा सकते हैं। मीट आप लोगों को ये गारंटी है कि बहुत फ्रेश मिलेगा यहाँ पे। इमरान मीट शॉप जी, सही, इमरान मीट शॉप है ये दोनों एक ही शॉप है, एक ही है ये शॉप पूरी। पाई के रेट आप क्या दे रहे हैं मुझे ये बताएं? मेरे पास पाई के रेट मुख्तलिफ रेट है, अलग अलग रेट है। मेरे पास ये 700 रुपए का एक है, ये 800 रुपए का एक है, ये 1000 रुपए का एक है। सही, वाह, ये तो इतना बड़ा लग रहा है, घुमा के भी दिखाई, तो खाया भी नहीं जाएगा, वरना मैं उठा के दिखाती हूँ। ये उस टाइम पे 2000 का एक था, अभी 1000 रुपए का एक हो गया। और ये आपके रेस्टोरेंट से जो भी आएगा ना, तो उसको ये 600 रुपए का एक पड़ेगा। वाह, 1000 रुपए का एक पड़ेगा। ये वाला 500 रुपए का मिल जाएगा और वो वाला 600 का? 600 रुपए का। अच्छा जी, पाया एक बार फिर देख लें आप। ये 1000 का पाया था इन्होंने, मेरे व्यूअर्स के लिए 600 रुपए का कर दिया है। तो अगर ये ऑफर आप लोगों को चाहिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। भाई अपना नाम बता दे। मेरा नाम है मोहम्मद नादिर कुरैशी। मोहम्मद नादिर कुरैशी, अगर आपको डिस्काउंट रेट पे पाए चाहिए तो आपको नादिर भाई से आके मिलना पड़ेगा। यहाँ शॉप नंबर है मेरी 32, कॉन्टेक्ट नंबर है 03442134902। तो भाई कॉन्टेक्ट नंबर इन्होंने बता दिया, अगर आप लोगों को पाए चाहिए रीजनेबल प्राइस में, कम प्राइस में, तो आप लोगों को नादिर भाई से आके मिलना पड़ेगा। बट इसके क्या रेट है? ढाई सौ रुपए की। और ये अलग अलग क्यों रखी है आपने? ये मोटी बैठ के लाती है। सही सही, साफ सुथरी है, साफ होती है, साफ सुथरी बैठ होती है। सही, तो इसका फिर क्या रेट है? इसके आपको 300 रुपए लगा देंगे, 350 के रेट है मार्केट में। सही, 300 रुपए की बट मिल रही है और ये वाली 250 की। 250। अच्छा, इसको साफ कैसे करते हैं आप लोग? इसको हम लोग साफ करते हैं, वॉश करते हैं गर्म पानी से वॉश करके इसको रगड़ के लगा देते हैं। अच्छा, ताजी होती है तो जल्दी साफ हो जाती है। सही, यहाँ पे यही एक थोड़ा सा है कि साफ सुथरी मिल जाती है, वरना हमें कभी चाहिए होती थी इस्लामाबाद वगैरह में, वहाँ पे साफ सुथरी नहीं मिलती, यहाँ पे तो ये इनका काम है। और अगर आपके रेस्टोरेंट से कोई ऑर्डर देगा तो हम उसको घर पे डिलीवरी कर सकते हैं घर पे भी। सही, तो फिर कम भी करें, फिर इससे भी कम करें रेट। डिस्काउंट कर दूंगा, वो डिलीवरी के ऊपर बात होती है, लेकिन चार्जेस लगेंगे जाएगा अभी होम डिलीवरी के। हाँ, जाहिर है जब ये कम करेंगे तो उसके होंगे तो, लेकिन ये रेट भी कम है और ये बहुत शौक से खाई जाती है पाकिस्तान में, आप लोगों को पता है। अच्छा, आप कॉन्टेक्ट नंबर बता दें अगर होम डिलीवरी करवानी हो किसी ने। 03128665019। सही, और आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद नमीर कुरैशी। मोहम्मद नमीर कुरैशी, मोहम्मद नमीर कुरैशी से आप लोग बट अगर आप लोग अपने घर में मंगवाना चाहते हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को दे दिया। पाया दिया भी मैंने 500 रुपए का एक 500 रुपए का दिया, 500 रुपए का एक दिया। सही जी, ये सबसे बड़ा साइज तो नहीं है? ये सबसे बड़ा साइज नहीं है, नॉर्मल साइज है, लेकिन इन्होंने अभी और कम किया था। और इससे बड़े साइज वाले मेरे पास ये है, ये मेरे पास बड़ा पाया होता है, सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा है, इससे भी बड़ा मेरे पास और होता है, वो नरगा पाया खिलाता है जी। सही सही, इसके क्या रेट है? मैम बेच रहे थे 800 रुपए का ही, अगर आपकी रेफरेंस से आएगा तो उसको देंगे 600 रुपए का ही, 500 का भी दे दूंगा मैं। अब तो मैं चुप हो गई, मैं कम भी करवाऊंगी। देखिए फुल साइज वाला पाया है ये कर दिए जी, और अगर ये लेंगे तो 400 का भी दे दूंगा ये वाला। ये 400 का मिल जाएगा, वो आपको 600 का मिल जाएगा, लेकिन बड़ा मैं प्रेफर करूंगी कि ये 2 के बराबर होता है तो ये ज्यादा ठीक रहता है। और ये माल भी मेरा भैंस कॉलोनी एक नंबर का मिलेगा होता है ये। सही। मेरे पास श्री वगैरह पाए मगज सब होते हैं इसके, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है इसका। अच्छा, ये आपका ही है सारा? ये मेरी है, ये हड्डी गुड्डी मेरी है। सही, ये हड्डियाँ जो है ये किस तरह दे रहे हैं? ये हड्डी गुड्डी होती है ये आपको 200 रुपए किलो दे देंगे, इसमें की एक नरोठे वाली होती है वो आपको 300 रुपए किलो दे। सही है, इसके साथ मिक्स करके इसके साथ होती है। अगर कोई हमारे पास की रेफरेंस से कोई आएगा तो 1000 रुपए में पैकेज बना के देंगे उसको। सही, तो मुझे क्या मिला? पाया मुझे क्या मिल रहा है? छोड़े आप, आपको एक पाया गिफ्ट दे दूंगा अगर आपकी रेफरेंस से आएगा तो। जी सही है जी, मेरे रेफरेंस से आप लोग आए, मुझे भी यहाँ पे गिफ्ट मिल रहा है तो मैं भी लेके जाऊंगी। 1000 रुपए में पैकेज दूंगा, बड़ा वाला पाया का 1 किलो नरोठे, एक पाया भैंस का बड़ा वाला, 1000 में सब कुछ, 1000 में सब कुछ, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? 1000 रुपए में सब कुछ मिलेगा। और इसके साथ मैंने हड्डी गुड्डी भी इनको गिफ्ट दी है, ये अपनी तरफ से दी है। और अगर इनकी रेफरेंस से भी अगर कोई आएगा तो मैं और कम करके लगाऊंगा मेरी, ठीक है ना? दुकान नंबर क्या है? 44। दुकान नंबर मेरा है 44 और मेरा नाम है मोहम्मद अरबाज।
ये बड़े भाई है मेरे, इनका नाम है दानिश कुरैशी। मार्केट की दूसरी पट्टी के अंदर दुकान है, दूसरी दुकान है हमारी जी। व्हाट्सएप नंबर मेरा 03120205044। किसको भी रब्ता करना हो, होम डिलीवरी बोलेंगे, होम डिलीवरी भी करके दे देंगे आप ऑनलाइन जी। मैं इनको गिफ्ट दे रहा हूँ, ये पाया है एक ये अपनी तरफ से, इसके साथ हड्डी गुड्डी भी गिफ्ट दे रहा हूँ भाजी को। आ सकते हैं आप। थैंक यू भाई। क्या रेट चल रहे हैं पाए के? पाए के रेट तो अब कम हो गए। कम हो गए क्या जी? जो पहले पाया चल रहा था 1000 रुपए का, 1200 रुपए का, वो हो गया 700 रुपए का। 700 रुपए का। और जो 1500 रुपए का, 1200 का पाया चल रहा था, वो हो गया 800 रुपए का पाया। सही। तो उसमें क्या डिस्काउंट देंगे आप? उसमें डिस्काउंट हम ये दे देंगे, अगर कोई आपकी डिस्पेंसर आना चाहेगा ना, 600 रुपए का लगा, 600 रुपए का बड़ा लगा देंगे। सही सही। तो भाई मेरे रेफरेंस से कोई आएगा तो ये 600 रुपए का बड़ा पाया आप लोगों को दे देंगे इजीली। ये दिखाओ पाया, माल भी ताज़ा होता है, फ्रेश माल होता है हमारे लिए। आपकी रेस्टोरेंट से काफ़ी कस्टमर आए थे जो उनके साथ हमने थोड़ा कोऑपरेट किया था, वो अभी भी आज आपकी रेस्टोरेंट से कस्टमर की कॉल आई थी तो उन्होंने कहा था मुझे पाए वगैरह चाहिए होंगे। मैंने उनको कहा आंटी आप आ जाइएगा, पैसे पाए पे कम भी हो गए, और आपको उन्होंने कहा था बेटा आपके पाए अच्छे थे। मुझे नहीं पता ये तो तारीफ थी, आपने दिखाया था, लोगों को पसंद आया तो जाहिर है, और मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने कॉन्टेक्ट किया तो मैंने आपका ही नंबर दिया जी। अक्सर लोग ऐसा करते हैं पैसे कुछ बचाने के लिए कस्टमर को जो है खराब चीज देते हैं, मगर इससे क्या होता है दुकानदारी खराब होती है, कस्टमर दोबारा नहीं आता जी। जी ट्रस्ट करते हैं लोग के यहाँ पे अच्छी चीज मिलेगी, अगर वो ही ना पूरा करें तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। मेरा मोबाइल नंबर है, पहली अव्वल बात तो ये है कि मेरा नाम है मोहम्मद रमीज, और अगर जैसे कोई डिलीवरी घर पे अगर मंगवाता है क्या घर पे पहुँचा दो, अगर वैसे वैसे बेहतर एडवाइस ये होती है कस्टमर के लिए यहाँ पे आके अपने हाथ से पसंद करे, अपने हाथ से लेकर जाए, क्योंकि जो आंखों के सामने चीज होती है ना उसकी बात ही कुछ और होती है। तो अगर ऐसे कोई आना चाहेगा तो कॉन्टेक्ट करके, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 03472011885, नाम मेरा मोहम्मद रमीज है। तो जनाब मैंने आज आप लोगों को रेट लेकर देने की कोशिश की है क्योंकि हम बहुत सारे लोग परेशान थे कल जो बजट आया है उसके लिहाज से, तो लोग समझे थे कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, लेकिन गोश्त मार्केट में सुपर गोश्त मार्केट जो लियाकताबाद में है यहाँ पे रेट और कम हो गए, पाए वगैरह के भी शायद थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो गया, लेकिन ये जो बकरे का गोश्त था, पट का गोश्त, इनका कहना है कि ये पट का गोश्त बकरे से ज़्यादा अच्छा गोश्त है और फ्रेश गोश्त है, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये अच्छा गोश्त नहीं है, फ्रॉड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आज मैंने यहाँ आके ये बात क्लियर की है, ये बकरे से भी ज़्यादा अच्छा गोश्त है, पट का गोश्त है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रही होगी, इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छी वीडियो में आती हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।